नमस्ते भारत, कैसे हैं आप? एक और विवाद खड़ा हो गया है। वैक्सीन सर्टिफिकेट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होने पे जो विवाद था, वो कुछ और ही रूप लेता हुआ चला जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इन दिनों जो वैक्सीनेशन के बाद सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, चाहे हम उसको ऑनलाइन पे लें, नॉर्मली ऑनलाइन पे ही लिया जा रहा है, उस पे प्रधानमंत्री की फोटो एक साइड पे आ रही है। और विपक्ष के हमलों के बाद अपने भी विरोध में उतर आए हैं। इसका एक ताजा उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि बिहार में एनडीए सरकार में साझा हम पार्टी के एक नेता ने भी निशाना साधा है। इस मुद्दे पे पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने दो ट्वीट किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने पहले रविवार को एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन का दूसरा डोज लेने के बाद मुझे प्रमाण पत्र दिया गया है और उस पे प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई है। देश में संवैधानिक संस्थाओं के सर्वोसर्वा राष्ट्रपति हैं, इस नाते उसमें राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए। और उन्होंने एक दलील और भी दी है कि अगर तस्वीर लगानी ही है तो राष्ट्रपति के अलावा पीएम और सीएम की भी तस्वीर हो। दरअसल पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कोरोना का अपना दूसरा डोज लिया है और मांझी ने आज फिर एक ट्वीट किया। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे यदि तस्वीर लगाने का इतना ही शौक है तो कोरोना से हो रही मृत्यु के डेथ सर्टिफिकेट पे भी तस्वीर लगाए, यही न्याय संगत होगा। अब मैं आपको बता दूं कि माझी का किस तरीके का वर्क स्टाइल रहा है, उनकी किस तरीके की शैली रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने 2015 का चुनाव बीजेपी की छत्रछाया में लड़ा था। उस समय मात्र एक सीट ही जीत पाए थे वे, वह भी थी उनकी खुद की। फिर जीतन राम मांझी का प्रेम आरजेडी की तरफ हो गया। आरजेडी में अपना बहुमत बहुत ज्यादा वो अपना इन्फ्लुएंस नहीं दिखा पाए और वे नीतीश की शरण में चले गए। हालांकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जीतन राम मांझी ने जदयू कोटा से अपनी पार्टी में अपने आप को शामिल किया। चार सीट जीतने के बाद बेटे को मंत्री बना दिया। अभी इनकी ईमानदारी सीएम नीतीश कुमार की तरफ ही है। जीतन राम अक्सर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करते रहते हैं, उनपे बोलबान छोड़ते रहते हैं। महादलित चेहरे के तौर पे एनडीए में रामविलास पासवान के बाद उनकी थोड़ी सी से की वैल्यू हो गई थी, उनकी पूंछ बढ़ गई थी। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स में वे राज्यपाल की कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में एनडीए को कुल 125 सीटें मिली थी, इनमें बीजेपी को 74 और जेडीयू को 43, वीआईपी को 4 और हमको 4 सीटें मिली थी। और 443 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन को 122 सीटों की जरूरत होती है। बीजेपी और जेडीयू की सीटें मिला दें तो 170 सीटें होती हैं। ऐसे में दोनों बड़े दल वीआईपी और हम को इग्नोर करके नहीं चल सकते, क्योंकि सत्ता की चाबी इन्हीं दोनों के पास है और इसका माजी पूरा पूरा फायदा ले रहे हैं। जहां उनका मन होता है वहीं कुछ ना कुछ वो बोल देते हैं, क्योंकि इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट पे पीएम की तस्वीर क्यों है, और अगर उनकी तस्वीर देनी ही है तो जो कोरोना से लोग मर रहे हैं उनके जो डेथ सर्टिफिकेट बन रहे हैं उन पे भी उनकी तस्वीर होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बिहार से खबर। मेरे साथ आप बने रहिए। और एक चीज़ और, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।